कुमाऊं का एकमात्र महिला अस्पताल अपनी बदहाली से जूझ रहा है। आलम यह है कि हल्द्वानी के इस 100 बेड वाले हाईटेक अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन ठप है, यहाँ एक अदद रेडियोलॉजिस्ट तक तैनात नहीं है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है, लिहाजा मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। साथ ही अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करने पर उन्हें जेब भी ढीली करनी पड़ रही है। बता दें कि कुमाऊं के सबसे बड़े राजकीय महिला अस्पताल में रोजाना 10 से 15 महिलाओं का डिलीवरी होती है। इसके अलावा 150 से 200 महिलाएं रोजाना ओपीडी के लिए पहुंचती हैं। वहीं गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए पहाड़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी आती हैं, लेकिन यहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन के रेडियोलॉजी तैनात ना होने के चलते उनके अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रही है।